कल हमने स्कंद 4 अध्याय 28 प्रारंभ किया था, 5 श्लोक तक किया था, आज हम छठवें श्लोक से करेंगे। ठीक है, ओके। तो इसमें जैसे हमने कल बताया था कि पुरंजन, बहुत दिनों से पुरंजन की कथा चल रही, तो आज जो है 28वें अध्याय में पुरंजन की मृत्यु के बारे में बात होगी और किस तरीके से पुरंजन की मृत्यु हुई और अगले जन्म में वो क्या बना। तो बेसिकली इसमें श्लोक संख्या 1 से 27 तक किस तरीके से व्यक्ति अपने शरीर को छोड़ता है, मृत्यु कैसे होती है, मृत्यु के समय कैसे व्यक्ति अपने शरीर को छोड़ता है, इस बारे में हम बात करेंगे। शरीर आदमी कैसे छोड़ता है, ठीक है, और जो है आगे क्या होगा, शरीर छोड़ने के बाद क्या होता है, वो सब चीज़ों पर चर्चा होगी। तो जिस तरह से तुलना जो हो रही थी उसमें काल कन्या जो कि बुढ़ापा है, वो काल कन्या और जिससे उसकी शादी हुई थी, वो प्रज्वार और यवनों के राजा, ये सब लोगों ने पुरंजन के शहर पर आक्रमण कर दिया। यानी कि कहने का मतलब है कि पुरंजन का शहर क्या था, 9 द्वारों का शहर, कल हमने चर्चा किया था कि पुरंजन एक तुलना हम जिस तरह से जो कर रहे हैं भागवतम में, वो पुरंजन क्या है, आत्मा, और उसका शहर क्या है, शरीर। शहर की खासियत क्या है कि इसमें 9 द्वार हैं। तो जब इस पुरंजन पर आक्रमण हुआ किसका, कालकन्या, कौन है वो, बुढ़ापा। तो बुढ़ापे का जब आक्रमण होता है शरीर पर, यानी कि शहर पर, यानी कि शरीर पर, तो क्या होता है, आक्रमण कहाँ से किया, कल के श्लोक में आया था ना कि आक्रमण किया 9 के 9 दरवाजों से, ठीक है। तो 9 दरवाजों से आक्रमण करने का मतलब क्या हुआ कि जब बुढ़ापा आता है, जब बुढ़ापे का आक्रमण व्यक्ति के शरीर पर होता है, तो उसके जो 9 द्वार हैं शरीर में, जो 9 छिद्र हैं, इनमें कुछ ना कुछ बीमारी चालू होती है। ये है बुढ़ापे का आक्रमण, बीमारी चालू होती है, आँखों की रोशनी कम हो जाएगी, दांत ढीले हो जाएंगे, कान से कम सुनाई देने लगेगा, इस तरीके की जो है हमने कल चर्चा किया था कि ये सब सारी समस्याएं हो जाती हैं, ठीक है। तो शहर पर आक्रमण हुआ और यवनों ने 9 के 9 दरवाजों को घेर लिया, ठीक है, और फिर पुरंजन जो है, पुरंजन का शहर इस तरीके से खतरे में पड़ गया। यानी कि आदमी का जब शरीर इस तरह से खतरे में पड़ जाता है, बुढ़ापा आ जाता है, तो व्यक्ति फिर दुखी होता है। बुढ़ापा जब आ जाता है तो उसको लगता है मैं मरूंगा, तो फिर व्यक्ति दुखी होता है। क्यों? क्योंकि अपने परिवार और अपने सामान से, अपनी चीज़ों से, अपने चीज़ों से वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड रहता है, अटैच रहता है, उस मोह बंधन में फंसा रहता है। जितना ज़्यादा मोह में फंसा रहता है उतना ज़्यादा दुख होता है। ये संसार का नियम है कि जितना जो है आप किसी व्यक्ति का, किसी वस्तु का मोह रखेंगे, उतना ही वो वस्तु आपको कष्ट देने वाली है। समझा रहे ने? कि आप, संसार का नियम है कि व्यक्ति जब आकर्षित रहता है ना किसी चीज़ से, तो उसको लगता है ये चीज़ मेरे को मिलेगी और मुझे इससे आनंद मिलेगा। लेकिन ये समझना चाहिए कि वही चीज़ उस व्यक्ति को जितना आनंद देती है, वही चीज़ क्षमता रखती है उसी व्यक्ति को उतने ही डिग्री पर, उतने ही लेवल का दुख देने की। ये है संसार का नियम। जैसे कोई व्यक्ति, हमको लगता है कि ये चीज़ हमें मिल जाएगी तो हम बहुत खुश हो जाएंगे, तो वही चीज़ से आप जितनी, जिस इतना खुशी मिली है ना 5 किलो, तो 5 किलो दुख भी दे के जाएगा। ये संसार का नियम है। इसलिए कहते हैं कि डिटैचमेंट इज़ द की फॉर हैप्पीनेस। लोगों को लगता है अटैचमेंट इज़ द की फॉर हैप्पीनेस, यानी कि लोगों को लगता है कि मोह ममता रखेंगे तो हम प्रसन्न रहेंगे, हम इससे प्रेम करेंगे, उससे प्रेम करेंगे, सब लोग मेरा ध्यान रखेंगे, हम बड़े प्रसन्न रहेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है
वैराग्य में खुशी है ना कि मोह में। इस बात को हमें समझना चाहिए जब हम, क्योंकि ऐसा क्यों कहा गया है कि वैराग्य में सुखी खुशी है। वैराग्य में खुशी इसलिए है क्योंकि मैंने वैराग्य मतलब क्या, खुद स्वतः अपने आप चीज़ों को छोड़ देना, किसी से कोई लगाव ना रखना, है ना, आकर्षण ना रखना, मोह ना रखना। मोह दुख का कारण है और वैराग्य सुख की वजह है। तो जब आप किसी से मोह रखेंगे तो आपको लगेगा वो चीज़ हमारे पास बनी रहे हमेशा, है कि नहीं। लेकिन संसार का नियम है कि कोई भी चीज़ स्थायी नहीं है संसार में। हर चीज़ नश्वर है, एक दिन सब छोड़ के जाना है। हर चीज़ जो है टेम्प्ररी है, तो एक दिन तो वो चीज़ छूट ही जाएगी। तो जितना आपने उस चीज़ से आकर्षण कर रखा है, मोह कर रखा है, जितना ज़्यादा टाइट बंधन आपने बना रखा है उस चीज़ से, उतना ही ज़्यादा आपको कष्ट होगा। क्यों? क्योंकि एक दिन तो वो चीज़ आपको छोड़ के जाएगी जाएगी, ठीक है। ये है संसार का नियम। तो इस वजह से पुरंजन ने जितना ज़्यादा आकर्षण अपने शहर से कर रखा था, उतना ही ज़्यादा उसको दुख हो रहा था। और शहर यहाँ पे क्या है? शरीर। तो वही बात है कि व्यक्ति को सबसे ज़्यादा आकर्षण रहता है अपने शरीर से। जितना ज़्यादा वो अपने शरीर से आकर्षण रखेगा, उतना ही ज़्यादा उसको दुख होगा। शरीर छूटेगा ही छूटेगा, शरीर को तो जाना ही है, शरीर को तो एक दिन छूटना ही है। तो शरीर या शरीर से जुड़े लोग, उन सबसे जितना ज़्यादा आकर्षण होगा, उतना ही उनके जाने पर दुख होगा, है ना। क्योंकि जब आकर्षण की जितना स्ट्रांग आकर्षण मोह, उतना ही दुख। सबसे ज़्यादा मोह होता है अपने शरीर से, है ना। जरा सा कुछ हुआ आदमी उसको पूरा डेंटिंग पेंटिंग करता है कि मेरे शरीर कुछ नहीं चाहिए। तो एक दिन जब वो शरीर छोड़ के जाता है, छूटता है, छीन लिया जाता है, तो आदमी बहुत दुखी होता है। इसलिए जो ऐसे व्यक्ति जिनको अपने शरीर से बहुत ज़्यादा लगाव रहता है, वो मरते समय बहुत कष्ट झेलते हैं, बहुत कष्ट होता है, क्योंकि उसको छोड़ना नहीं चाहते और यमराज उसे छुड़वाते हैं, तो बहुत रोता है वो, तो बहुत कष्ट होता है। जैसे अगर आपके पास कोई एक चीज़ है, कोई फ़ोन है, कोई अच्छे कुछ चीज़ है, आप जा रहे हैं और कोई बाज़ार में आके उसको छीने आपसे, तो जो छीनेगा तो आपको दुख होगा कि नहीं होगा? और छीन के ले जाएगा तो बहुत ज़्यादा कष्ट होगा। इस तरीके से जैसे कोई फ़ोन ही है या कोई चीज़ है, तो आपके पास कब से है? एक साल से, दो साल से, दस साल से होगी, और उसको छीन रहा है कोई, तो आपको दुख हो रहा है। लेकिन शरीर तो 25-30 साल से आपके पास है, 60 साल से शरीर उसके पास है, तो कितना ज़्यादा उसको लगाव हो गया होगा अपने शरीर से। तो जब ये छीना जाएगा तो बहुत कष्ट होगा, तो छोड़ना नहीं चाहता। जब छोड़ता नहीं तो यमराज के दूध उसको मार मार के छुड़वाते हैं, इसलिए रोता है। ये शरीर से लगाव नहीं रखना चाहिए, बहुत ज़्यादा लगाव रखते लोग शरीर से, है ना। तो शरीर से जितना ज़्यादा लगाव होगा, उतना व्यक्ति को दुख होगा। किसी भी चीज़ से शरीर है सबसे ज़्यादा लगाव शरीर से होता है, फिर उससे आगे जुड़ी हुई चीज़ों से होता है। तो वैराग्य जो है प्रसन्नता आनंद की कुंजी है। डिटैचमेंट इज़ द की फॉर हैप्पीनेस, ये हमको समझना चाहिए, ठीक है। तो छठवां श्लोक, तस्यां प्रपीड्यमानायां अभिमानी पुरंजन अवाप उरुविधान्तापान कुटुंबी ममता आकुल। तस्यां उस नगरी के प्रपीड्यमानायां विभिन्न कष्टों में पड़कर अभिमानी अत्यधिक लिप्त पुरंजन राजा पुरंजन ने अवाप प्राप्त किया। उरु अनेक विधान प्रकार के तापान क्लेश कुटुंबी परिवार वाले ममता आकुला परिवार से लगाव के कारण अत्यधिक व्यग्र। तो जब वह है, जब इस प्रकार वह नगरी सैनिकों तथा काल कन्या के द्वारा विपदाग्रस्त हो गई, तो अपने परिवार की ममता में लिप्त राजा पुरंजन यवन राज तथा काल कन्या के आक्रमण से संकट में पड़ गया। ओके, तो इस तरीके से वो व्यक्ति पुरंजन अपने परिवार के और अपनी उस ममता, मोह ममता की वजह से उसको ज़्यादा कष्ट हो रहा था, ठीक है कि नहीं।
कन्योप कन्योपगूढ़ो नष्ट श्री कृपणो विषयात्मका नष्ट प्रज्ञो हृत ऐश्वर्यो गंधर्व यवनेर्बलात्। कन्या काल कन्या के द्वारा उपगूढ़ा आलिंगित होकर नष्ट श्री समस्त सौंदर्य से रहित कृपणः कंजूस विषय आत्मका इंद्रिय तृप्ति में लिप्त नष्ट प्रज्ञः बुद्धि से विहीन हत ऐश्वर्या ऐश्वर्य से वंचित गंधर्वों यवनई तथा यवनों द्वारा बलात् बलपूर्वक काल कन्या द्वारा आलिंगन किए जाने से धीरे धीरे राजा पुरंजन का सारा शारीरिक सौंदर्य जाता रहा। अत्यधिक विषयासक्त होने से उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई और उसका सारा ऐश्वर्य नष्ट हो गया। सभी कुछ खो जाने पर गंधर्वों तथा यवनों ने उसे बलपूर्वक जीत लिया। ओके, तो इस तरीके से गंधर्वों ने उसको जीत लिया। जब काल कन्या ने उसको आलिंगन किया धीरे धीरे उसका सारा शारीरिक सौंदर्य चला गया। अत्यधिक विषयासक्त होने से उसकी बुद्धि नष्ट हो गई। ओके, और जब सब कुछ खो जाने पर गंधर्वों तथा यवनों ने उसे बलपूर्वक जीत लिया। तात्पर्य, जब मनुष्य बुढ़ापे का शिकार हो जाता है किंतु फिर भी इंद्रिय तृप्ति में लगा रहता है तो उसका व्यक्तिगत सौंदर्य बुद्धि तथा सारी संपत्ति क्रमशः नष्ट हो जाती है। इस प्रकार वह काल कन्या के प्रबल आक्रमण को सह नहीं पाता। काल कन्या मन बुढ़ापा आता है तो ये सब चीज़ें होती हैं। ठीक है, विशीर्णाम स्वपुरीं वीक्ष प्रतिकूलान अनाद्रतान पुत्रान पौत्रान अनुगामात्यान जायाम च गत सौहृदाम विशीर्णाम छिन्न भिन्न स्वपुरी अपनी नगरी को वीक्ष देखकर प्रतिकूलान प्रतिकूल बातें अनादृतान अनादृत होकर पुत्रान पुत्रों को पौत्र नाती अनुग नौकर अमात्यान मंत्रीगण को जायाम स्त्री को चाह तथ्यथा गता सौहृदाम प्रतिकूल। जब राजा पुरंजन ने देखा कि उसकी नगरी अस्त व्यस्त हो गई है, नगरी माने शरीर, बुढ़ापा आ गया ना तो व्यक्ति का शरीर पूरा जर्जर हो चुका है और उसके पुत्र पौत्र नौकर तथा मंत्री सभी क्रमशः उसके विरोधी बनते जा रहे हैं, सब लोग उसके विरोध में आ चुके हैं। उसने अभी देखा कि उसकी पत्नी इसने शून्य अनमय मनस्क हो रही है। जब मनुष्य असक्त हो जाता है तो उसकी इंद्रियाँ शिथिल पड़ जाती हैं अर्थात वे उसके वश में नहीं रह जाती। जब इंद्रियां तथा विषय वस्तुएं उसका विरोध करना प्रारंभ कर देती हैं, जब मनुष्य कष्टमय स्थिति में होता है तो उसके परिवार के सदस्य भी पुत्र पौत्र तथा पत्नी तक अनादर करने लगते हैं, तब वे घर के मालिक के वश में नहीं रहते। जिस प्रकार इंद्रिय तृप्ति के लिए इंद्रियां आवश्यक हैं उसी प्रकार इंद्रियों को बदले में शरीर से शक्ति की आवश्यकता होती है। मनुष्य अपने सुख के लिए परिवार बसाता है, इसी तरह परिवार के सदस्य घर के मुखिया से सुख चाहते हैं। जब उन्हें पर्याप्त धन नहीं मिलता तो उन्हें अरुचि उत्पन्न होती है और वे उसकी आज्ञाओं अथवा इच्छाओं का पालन नहीं करते। यह सब उसकी कृपणता के कारण होता है। कृपणता, कृपण शब्द छठे श्लोक में आया है और यह ब्राह्मण शब्द के विरोध में आया है। मनुष्य जीवन पा करके उसे ब्राह्मण बनना चाहिए, जिसका अर्थ होता है ब्रह्म की स्वाभाविक स्थिति को समझना और वैष्णव रूप में उसकी सेवा करना। हमें तो बता रहे हैं कि साधारणतः परिवार में ऐसे होता है, व्यक्ति जब तक काम करता है तब तक सब उसकी सुनते हैं, बाद में जब बूढ़ा हो जाता है तो उसकी कोई सुनता नहीं। क्यों? उससे अभी कोई फायदा नहीं बचा। ठीक है, और क्यों? क्योंकि उसने भी कृपण, उसकी कृपणता के कारण ऐसा होता। कृपण माने उसने कोई भगवान की भक्ति नहीं करी ढंग से, ठीक है, तो उसकी कोई बात नहीं वहाँ सुनने वाला। तो हमें मनुष्य जीवन में, प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, मनुष्य जीवन में ही यह सुविधा मिलती है और यदि हम यह इस अवसर का सदुपयोग नहीं कर पाते तो हम कृपण बन जाते हैं। मनुष्य कृपण वो है जिसने अपने मनुष्य जीवन मिलके उस मनुष्य जीवन को भगवान कृष्ण की भक्ति में नहीं लगाया, वो कहलाता है कृपण। तो इस कृपणता के कारण, मतलब जिसने ऐसे भक्ति नहीं करी, उस व्यक्ति के इस भक्ति ना करने के कारण फिर उसकी कोई सुनता नहीं बुढ़ापे में, क्योंकि उससे एक ही फायदा था, अब वो फायदा हो नहीं रहा है। भक्ति करी होती तो शायद सुन भी लेते। तो कृपण व्यक्ति और ब्राह्मण, कृपण होता है ब्राह्मण का उल्टा, ब्राह्मण होता है जो मनुष्य जीवन को भगवान की भक्ति में लगाता है। तो कृपण वह है जिसके पास धन तो रहता है किंतु उसको वह ठीक से खर्च नहीं करता। तो कृपण माने बेसिकली कंजूस होता है, तो कंजूस माने पैसा तो है पर खर्च नहीं करेगा। इस तरीके से कृपण यहाँ पे इसको क्यों बोला गया, क्योंकि उसके पास फैसिलिटी तो है, मनुष्य का शरीर तो मिला है लेकिन उसको भक्ति में नहीं लगा रहा है, तो क्या हुआ, कंजूस कहलाया।
तो यह मनुष्य जीवन विशेषता ब्रह्म को समझने तथा ब्राह्मण बनने के लिए मिला है, और यदि हम इसका ठीक से उपयोग नहीं करते तो हम कृपण बने रहते हैं। हम वास्तव में देख सकते हैं कि जिस मनुष्य के पास धन होता है किंतु वह उसे खर्चता नहीं तो वह कृपण बना रहता है और कभी सुखी नहीं रहता। पैसा रहता है पर वो दुखी रहता है क्योंकि उसको खर्च ही नहीं करता। वो इस तरह से मनुष्य जीवन है लेकिन फिर भी हम दुखी हैं, क्यों? क्योंकि हम मनुष्य जीवन में भक्ति नहीं कर रहे हैं। इसी प्रकार जिसकी बुद्धि इंद्रिय तृप्ति के कारण भ्रष्ट हो जाती है वह आजीवन कृपण बना रहता है। इंद्रिय तृप्ति की वजह से व्यक्ति की बुद्धि का नाश हो जाता है और फिर वो पूरी तरीके से जीवन में भक्ति नहीं कर पाता, इंद्रिय तृप्ति में ही लगा रहता है। आत्मानम कन्यया ग्रस्तम पंचालान अरिदूषितान दुरंत चिंताम आपन्नो ना लेबे तत्प्रतिक्रियाम। आत्मानम अपने आप को कन्यया काल कन्या द्वारा ग्रस्तम आलिंगित पंचाल अरिदूषितान शत्रुओं से दूसरे दुरंत अलंग चिंताम चिंता आपन्य प्राप्त करके ना नहीं लेभे प्राप्त किया तत् उसका प्रतिक्रिया उपाय। आठवां श्लोक है। जब राजा पुरंजन ने देखा कि उसके परिवार के समस्त प्राणी उसके संबंधी अनुचर दास मंत्री तथा अन्य सभी उसके विरुद्ध हो गए हैं तो वह अत्यंत चिंतित हुआ। अब इस समय पुरंजन के विरोध में सब लोग आ गए हैं क्योंकि उसके शहर पर आक्रमण हो चुका है, यानी कि जब व्यक्ति के शरीर पर बुढ़ापे का आक्रमण हो जाता है यानी कि पूरी तरह से बुढ़ापा आ जाता है, शरीर काम नहीं करता है, तो फिर उसके सभी लोग उसके दुश्मन हो जाते हैं, उसकी कोई नहीं सुनता। किंतु उसे इस स्थिति से छूटने का कोई उपाय नहीं दिखाई दिया क्योंकि वह काल कन्या द्वारा बुरी तरह परास्त कर दिया गया था। अब उसको नहीं पता कैसे बाहर निकलना है। तो जब मनुष्य वृद्धावस्था के कारण निर्बल हो जाता है तो परिवार के सदस्य नौकर तथा मंत्रीगण उसकी परवाह नहीं करते, तब वह इसका प्रतिकार करने में समर्थ नहीं रहता, वह अधिकाधिक चिंतित होता है और अपनी दैनीय स्थिति पर पछताता रहता है। कामान अभिलषन दीन यात यामान च कन्या विगदात्म गति स्नेह पुत्र दारांश लालयन। कामान सुख के साधन अभिलषन अभिलाषा करते हुए दीन बेचारा यात यामान वासी चा भी कन्या काल कन्या के प्रभाव से विगत खोया हुआ आत्मगति जीवन का असली लक्ष्य स्नेह आसक्ति पुत्र पुत्रों दारान पत्नी चा तथा लालयन दुलारते हुए काल कन्या के प्रभाव से विषय भोग की सारी वस्तुएं बासी पड़ गई थी, यानी कि बुढ़ापे की वजह से अब उसको कोई विषय भोग कर ही नहीं सकता। अपनी कामेच्छाओं के बने रहने के कारण राजा पुरंजन अत्यंत दीन बन चुका था। उसने अपने जीवन लक्ष्य का भी पता ना था वह अब भी अपनी पत्नी तथा बच्चों के प्रति अत्यंत आसक्त था और उनके पालन के संबंध में चिंतित था। आजकल की सभ्यता की यही सही स्थिति है। प्रत्येक व्यक्ति शरीर घर तथा परिवार के पालन में लगा हुआ है, फलतः प्रत्येक व्यक्ति जीवन के अंतिम समय में भ्रमित हो जाता है और उसे इसका ज्ञान नहीं रहता किसका कि आध्यात्मिक जीवन क्या है और जीवन का लक्ष्य क्या है। इंद्रिय तृप्ति की सफलता में भला आध्यात्मिक जीवन कैसे चल सकता है, क्योंकि मनुष्य केवल इस जीवन के विषय में सोचता है। यद्यपि अगला जीवन एक तथ्य है किंतु उसे इसके विषय में कोई जानकारी नहीं मिलती। तो ज़्यादातर लोग कहते हैं कोई मृत्यु के बाद क्या होगा किसी को पता नहीं, इसलिए आराम से मजे करो, जिंदगी भर मौज करो, कोई पता ही नहीं आगे क्या होगा, स्वर्ग है नरक है क्या है कुछ नहीं है, हैवी कि नहीं किसी को कोई पता नहीं है, तो वो लोग आराम से कहते हैं कि कोई डरने की जरूरत नहीं, पूरी ज़िंदगी में जो करना है करो, मौज करो, बस एक दिन तो मर ही जाना है। तो ऐसे लोग जो हैं वो इसमें भक्ति में आगे नहीं बढ़ पाते। ठीक है, तो इंद्रिय तृप्ति की सभ्यता में भला आध्यात्मिक जीवन कैसे चल सकता है क्योंकि मनुष्य केवल इस जीवन के विषय में सोचता रहता है, इसके बारे में सोचता है, अगला जीवन उसको लगता है कि है नहीं, बल्कि मृत्यु के बाद अगला जीवन है। बार बार व्यक्ति को जन्म लेना पड़ सकता है और अगर भक्ति करेगा तो आध्यात्मिक लोक में भी जा सकता है, वहाँ जाके जो है सेवा करेगा। गंधर्व यवन आक्रांतम काल कन्या उपमार्जिताम हातुम प्रचक्रमे राजा ताम पुरीम अनिकामतः। गंधर्व सैनिकों यवन तथा यवन सैनिकों द्वारा आक्रांतम हराया हुआ काल कन्या द्वारा उपमार्दितम कुचला हुआ हातुम त्यागने के लिए प्रचक्रमे बाध्य हुआ राजा पुरंजनताम उस पुरी को अनिकामता अनिच्छित। राजा पुरंजन की नगरी गंधर्व तथा यवन सैनिकों द्वारा जीत ली गई और यद्यपि राजा इस नगरी को त्यागना नहीं चाहता था किंतु परिस्थितिवश उसे ऐसा करना पड़ा क्योंकि काल कन्या ने उसे कुचल दिया था। तो बुढ़ापे की वजह से वो पूरा खत्म हो तो गया लेकिन वो छोड़ना नहीं चाहता था शरीर, लेकिन छोड़ना पड़ेगा। तो जीव भगवान की संगति से विलग होकर इस भौतिक जगत को भोगने का प्रयत्न करता है,
उसे विशेष प्रकार का शरीर धारण करके जो ब्रह्मा के शरीर से लेकर सूक्ष्म जीव तक का हो सकता है। तो इस संसार को भोगने का अवसर प्रदान किया जाता है। जीव जिस तरह की इच्छाएं करता है उसे उन इच्छाओं को भोगने का अवसर प्रदान किया जाता है। उत्पत्ति के वैदिक इतिहास से हमें पता चलता है कि ब्रह्मा पहला प्राणी था जिसने ब्रह्मांड की जनसंख्या बढ़ाने के लिए 7 ऋषियों तथा प्रजापतियों को उत्पन्न किया, ब्रह्मा जी ने। इस प्रकार प्रत्येक जीव अपने विगत कर्म के अनुसार विशेष प्रकार का शरीर प्राप्त करता है जो ब्रह्मा से लेकर मल में रहने वाले सूक्ष्म जीवाणु तक का हो सकता है। तो अगला जन्म में व्यक्ति ब्रह्मा से लेकर उसके विष्ठा के कीड़े, मल में जो कीड़ा होता है ना, उस कीड़े तक भी बन सकता है, कुछ भी बन सकता है 84 लाख योनियों में। निर्भर करता है उसका कर्म कैसा है, स्वभाव कैसा है। तो विशेष प्रकार के शरीर की दीर्घकालीन संगति तथा कालकन्या और माया के अनुग्रह से मनुष्य इस भौतिक शरीर के प्रति अत्यधिक आसक्त हो जाता है। इतने लंबे समय से इसी शरीर को पकड़े है तो आसक्ति तो हो ही जाएगी। आसक्ति होती है जब ज़्यादा समय किसी का संग किया जाए। इसलिए भगवान भगवद्गीता में कहते हैं संगति संजायते कामः, ज़्यादा जैसी संगति करेंगे वैसा हम बनते जाएंगे। इसलिए ज़्यादा विषय भोग का संगति नहीं करना चाहिए, नहीं उससे आसक्ति हो जाती है। आसक्ति होने से बड़ा दिक्कत है। आसक्ति माने उससे लगाव हो जाना, मोह हो जाना, क्योंकि आसक्ति ही हमारे दुख का कारण है। जितनी ज़्यादा आसक्ति उतना ज़्यादा दुख, क्योंकि एक दिन तो सबको छोड़ कर जाना ही है। हर चीज़ हमसे छीन ली जाएगी, यहाँ तक कि हमारा शरीर भी हमसे छीन लिया जाएगा। तो जब शरीर भी हमारा हमारे पास नहीं रहने वाला है तो बाकी चीज़ को हम हमारा मैं मेरा में क्यों पड़े हुए हैं। अहम ममेति, मैं मेरा, इसमें यही समस्या है। शरीर भी मेरा नहीं है फिर भी मैं बहुत सारी चीज़ों को अपना बता रहा हूँ, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, लेकिन असलियत में तो ये शरीर भी मेरा नहीं है, क्योंकि इसको भी छोड़ना पड़ेगा एक दिन। कुछ समय के लिए मिला है, अगला मिलेगा कि नहीं मिलेगा क्या पता है, पिछले कितने शरीर छोड़ के आ गए क्या पता। ठीक है, तो यही तो माया है। जो हमें लगता है कि हमारा है वो हमारा है नहीं, जो हमें लगता है असली है वो असली में है नहीं, जो हमको लगता है सुख है वो असली में दुख है, यही तो माया है। ठीक है, तो भौतिक शरीर के प्रति इस तरह से प्रति व्यक्ति अत्यधिक आसक्त हो जाता है। यद्यपि यह शरीर पीड़ा का आगार है, भले ही कोई मनुष्य सूक्ष्म जीव को मल से विलग करने का प्रयास करे किंतु वह उसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता। ये अजीब विडम्बना है कि वो मल में जो कीड़ा होता है ना उसको उस मल से लगाव है, ये है माया। उसको उस मल के कीड़े को आप कहीं साफ जगह में रख दो, वो खिसक खिसक के मल में ही जाएगा, ये है माया। इसे कहते हैं भौतिक बंधन, भौतिक लगाव, है ना। हाँ, इंसान को पता चल रहा है कि मल है, बेकार है, गंदा है, लेकिन उस कीड़े को उससे ही लगाव है, समझ में। ये है प्रभाव माया का। व्यक्ति की चेतना कितनी दूषित है उसको वैसी चीज़ें पसंद आती हैं, है ना। जिसको जैसी चेतना होगी उसको वैसी चीज़ें पसंद आएंगी, है ना। जैसे आप, जैसे घर के बाहर गार्डन रहेगा तो उस गार्डन में बहुत सारे पक्षी आएंगे, कई तरह की चिड़ियाँ आएंगी, कोई फूल पे बैठेगी, कोई पत्ती बैठेगी, कोई घास खाएगी, कोई अलग 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 बैठेंगी। लेकिन उसी गार्डन में एक आप कचड़े का डिब्बा रख दो, गंदा सा, सारा गंदगी उस कचड़े में रख दो, तो कौवा आके उसी कचड़े में बैठेगा, वो साफ जगह नहीं बैठेगा, वो कचड़े में ही आके खोद खोद के खाएगा, ये उसकी प्रकृति। तो उसको उससे लगाव है, है ना। वो लोग सोचते होंगे ये कुत्ता है, गंदा इसका शरीर, सुअर इतना गंदा है, लेकिन जो सुअर के शरीर में जो आत्मा है उसको उससे ही लगाव है। उसको लगता है अरे मैं कितना अच्छा सुअर हूँ, मेरे जैसा कोई सुअर नहीं है, है ना, ऐसे लगता है उसको, ये रियलिटी है। सुअर को देखो तो उसके एक वाइफ होती है तो उससे बड़ा प्रेम करता है वो, फिर उसके छोटे छोटे सुअर होते हैं पिगलेट्स, पें पें करते रहते हैं, तो उनको बड़ा प्रेम करता है वो सब आके उसके चिपक जाते हैं, है ना। वो लेडी सुअर उनको दूध पिलाती है, उनको प्रेम करती है, कितना आनंद है। आह, वो उस गंदगी में पड़े रहते हैं, ओहो व्हाट अ ब्लिस, वो आनंद में रहते हैं, यही तो माया है। तो समझने वाली बात यह है
कि जिस तरह से हम उस सुअर को देखते हैं ना, वह कहाँ गंदगी पड़ा है, लेकिन सुअर आनंद ले रहा है उसमें। सुअर को बाहर निकालो नाली से, वो वापस वहीं चला जाएगा, है ना। ये यही तो चक्कर है। तो इसी तरीके से उस सुअर की चेतना इतनी डाउन हो चुकी है कि उसको नहीं समझ में आ रहा है, और इसलिए वो उस डाउन चेतना की वजह से उसको सुअर का शरीर मिल गया है। और इसी तरीके से जो हम लोग हैं, ऊपर से जब भक्त लोग, बड़े बड़े भक्त लोग जब देखते हैं इंसान को, जो कर्मी हैं, जो पाप कर्म में लगे हुए हैं, तो देखते हुए यार कहाँ है, पड़ा हुआ है कचड़े में, सुअर की तरह जी रहा है। तो वो हमको सिखाते हैं, बेटा ये गलत काम मत करो, भक्ति करो। तो हमको खींचते हैं नाली से बाहर, तो हम वापस उसमें लग जाते हैं। ये है सुअर जैसी बुद्धि। वो हमको सिखाते हैं कि इससे, कचड़े से बाहर निकलो, गंदगी से बाहर निकलो, कुत्ते और सुअर जैसा जीवन मत जीव व्यतीत करो, लेकिन हम उसमें फंसते जाते हैं बार बार, क्योंकि हमको उसमें ही मज़ा आ रहा है। लेकिन जो हमारे से ऊपर की चेतना है, उसको पता है कि ये दुख है। जैसे हमको पता है कि सुअर वाला शरीर, जो सुअर के शरीर में, वो कितना कष्ट में है, लेकिन वो आनंद ले रहा है वहाँ पे। तो जो हमसे ज़्यादा चेतना में होगा, वो हमको देख के कहेगा, भाई यार कहाँ कचड़े में पड़ा हुआ है, हमको नहीं लगेगा हमको। इसलिए तो जो जो व्यक्ति नॉनवेज खाते हैं, लीकर नशा करते हैं, उनको बोलो ये गलत है, उनको उनको फ़र्क नहीं पड़ता होता। वो पिएगा, सेट रहेगा अपना, रोड किनारे आराम से सोएगा, ठीक है, नींद भी अच्छी आती होगी उसको। तो ये बात है, इसलिए प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि वो छोटा सा मल का कीड़ा, उसको उस मल से हटाओ तो वो उसको अच्छा नहीं लगता, मुझे क्यों निकाल रहे, इतना अच्छा गर्म है ना। तो जिस तरह से व्यक्ति को आप कोई चीज़ खाने को दो, बढ़िया हलवा, गाजर का हलवा, तो सोचते यार हमसे क्यों छीन रहे हो इतना अच्छा गाजर का हलवा, इस तरह से सुअर को लगता होगा। यही तो इंद्रिय भोग का चक्कर है, कि जो जिस शरीर में है उसी में फंसा है, उसको वही अच्छा लगता है। ऐसा मत सोचो कि सुअर सोचता होगा कि मैं कब इससे निकलूं और इंसान बनूं, ऐसा नहीं होता, है ना। एक कहानी है जिसमें इंद्र को इस तरीके से एक बार बनना पड़ता है, तो वो अलग अलग योनियों में जाता है, तो सुअर की योनि में भी वो जाते हैं। तो ब्रह्मा जी वहाँ रहते हैं उनके साथ, उसको सिखाने के लिए कि तुम वापस आ जा भाई, है ना। उसकी जो सज़ा पूरी हो जाती, लेकिन वो सुअर के शरीर में रहता है। और ब्रह्मा जी कहते, चलो तुम तो स्वर्ग के राजा हो इंद्र, अब तुम्हारा यहाँ पे जो पनिशमेंट थी पूरी हो गई है, चलो मैं तुमको लेके चलता हूँ। मैं तुम्हें याद, इंद्र को समझता ही नहीं होता, अरे देखो कितना अच्छा, मेरा वाइफ सुअर है, कितने छोटे छोटे से बच्चे हैं, ये कितना अच्छा है, अभी इनकी शादी करवानी है, इनकी डिग्री करवानी है, सब करवाना है, इनके पे बच्चे के बच्चे होंगे, उनका एक बार मुंह देख लूँ, एक बार नाती के दांत देख लूँ, हैं उसकी बेटी की शादी देख लूँ, ये सब उसकी इच्छाएँ रहती हैं, है ना। तो इस तरीके से वो छोड़ता ही नहीं है। तो वही यहाँ पे लिखा है कि हमको ये नहीं समझना चाहिए कि हम बहुत शुद्ध हैं, बड़े अच्छे हैं, हमको भी उसी कचरे से लगाव है ना। तो जब कोई व्यक्ति, मनुष्य उस मल के कीड़े को मल से अलग करता है, तो वो उस मल को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता, वह लौटकर फिर मल में चला जाता है। इस प्रकार सुअर प्रायः गंदे स्थानों में रहता है, मल खाता है, और यदि कोई उसे हटाकर स्वच्छ स्थान में रखना चाहे, तो वह फिर वहीं लौट आता है। सुअर को आप कहीं अच्छी जगह रख दो और रोज़ उसको बढ़िया फ्रेश खाना दो, वो खाएगा ही नहीं, उसको अच्छा नहीं लगेगा, कहाँ फंस गया मैं, उसको खाना है मल। इस प्रकार यदि हम प्रत्येक जीव का अध्ययन करें, तो पता चलेगा कि वह अधिक सुविधाप्रद स्थान में जाने का प्रतिकार करता है। उसको आप अच्छी चीज़ दे रहे हो, लेकिन उसको वही चाहिए। ये है पॉइंट, उसकी चेतना इतनी ख़राब है कि उसको समझते नहीं अच्छा क्या बुरा। उसको आप अच्छी चीज़ दोगे तो वो उसका विरोध करेगा, है ना। उसको आप दे रहे हो बढ़िया चीज़, लेकिन उसको खाना है मल। उसको नहीं, मुझे तो वही चाहिए, उसको नहीं अच्छा है, नहीं मुझे तो वही चाहिए ना। तो रघुपा जी लिख रहे हैं कि इस प्रकार अगर हम अध्ययन करें, हमारे अंदर सबके अंदर वही है कि जब हमको ज़्यादा कोई अच्छी चीज़ दी जाए तो हम उसका विरोध करेंगे।
यद्यपि राजा पुरंजन पर चारों ओर से आक्रमण हो रहे थे किंतु वह अपनी नगरी को छोड़ने को तैयार नहीं था। दूसरे शब्दों में जीव चाहे जैसी स्थिति में हो शरीर को त्यागना नहीं चाहता किंतु उसे छोड़ना ही पड़ेगा क्योंकि भौतिक शरीर शाश्वत नहीं है। कोई भी व्यक्ति अपने शरीर को नहीं छोड़ना चाहता। मृत्यु से सबको डर लगता है लेकिन मृत्यु तो आएगी, एक दिन शरीर तो छोड़ना पड़ेगा क्योंकि शरीर हमेशा साथ में नहीं रहेगा। तो जीव इस भौतिक जगत को विविध प्रकार से भोगना चाहता है, इसलिए प्रकृति के नियम उसे एक शरीर से दूसरे शरीर में जाने की छूट देते हैं। होता क्या है कि भौतिक जगत के इन इच्छाओं की वजह से व्यक्ति विविध तरह के आनंद लेना चाहता है भौतिक जगत में, तो फिर वो इन इच्छाओं की वजह से उसको अगला शरीर मिल जाता है। जिस प्रकार मनुष्य शिशु से बालक तथा बालक से तरुण और फिर प्रौढ़ के शरीर को प्राप्त करता है। देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतरा प्राप्ति धीर सत्रान्नम यति। तो ये प्रोसेस चलती रहती है, यह प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। अंतिम अवस्था में जब शरीर वृद्ध तथा अक्षम हो जाता है तो जीव इसे छोड़ने में आनाकानी करता है, जबकि यह आगे किसी काम की नहीं रह जाती। शरीर को छोड़ना नहीं चाहता जबकि उसमें बचा कुछ नहीं है। ये देखो आप, ये एक अलग तरह की मुँह रखता है। अगर मृत्यु हो जाएगी तो उसको नया शरीर मिलेगा लेकिन वो नहीं चाह रहा है ना। मृत्यु के समय व्यक्ति जो है उसको अगला शरीर मिलेगा और अच्छा मिलेगा, अगला शरीर मिलेगा तो नया मिलेगा ना, यंग शरीर मिलेगा। लेकिन अब बुढ़ापे का शरीर में बचा क्या है? कुछ भी नहीं बचा, लेकिन वो फिर भी उसको नहीं छोड़ना चाहता। ये है माया, ये समझने वाली बात है कि वो उसको नहीं छोड़ना चाहता। ठीक है, यद्यपि अब होता क्या है कि जैसे छोटा सा शरीर था फिर बड़ा हो गया फिर और बड़ा हो, तो शरीर बदलता जा रहा है, कोशिकाएं मर जाती हैं, नई कोशिकाएं बनती जाती हैं, इस शरीर से 6-7 साल में पूरा शरीर नया बन जाता है। तो अगर किसी की उम्र 21 साल है तो 3 बार उसका शरीर बदल चुका लेकिन उसको पता नहीं चला, तो वो अपना है ना वो पुरानी फ़ोटो देखे, हाँ मैं ही हूँ, कहाँ तुम हो, सब कुछ तो बदल गया, यहाँ तक कि हृदय की कोशिकाएं भी बदल गई, फिर भी हम कहते नहीं मैं ही हूँ, कैसे तुम हो, है ना, हर कुछ तो बदल गया लेकिन फिर वो कहता मैं हूँ। तो फिर इसी तरीके से जो शरीर बढ़ता जाता है बुढ़ापा आ जाता है, फिर बुढ़ापा आने के बाद उस शरीर में और कुछ नहीं हो सकता ज़्यादा, बेकार हो चुका है, तो फिर उसी शरीर को छोड़ के अगले में चला जाना है। लेकिन उसको इतना समय से उस शरीर में है, इतना लगाव हो जाता है कि उसको छोड़ना नहीं चाहता। ये है, उसको छोड़ना ही नहीं चाहता वो। जैसे किसी व्यक्ति का घर पूरा टूट चुका है, जर्जर हो चुका है, उसमें पानी गिरता है, सब होता है, बिल्कुल बेकार हो चुका है, और उससे कहा जा रहा है तुम नया घर में चलो, वो हम नहीं जाएंगे, हमारा घर यही है, हमको तो यहीं रहना है, तो उसको ज़बरदस्ती ले जाया जाएगा तो रोएगा चिल्लाएगा, इसे कहते हैं मूर्खता। ठीक है, और बड़ी मूर्खता क्या है कि उसको पता है कि अगले शरीर में जाएंगे तो फिर यही दुख झेलने पड़ेंगे, तब भी वो बचता नहीं है, अपने आप को बचाता नहीं है। तो इस तरीके से आध्यात्मिक शरीर पाने के लिए प्रयास करना चाहिए ताकि फिर से ये जन्म मृत्यु और बुढ़ापा और बीमारी में ना फंसे। यद्यपि यह संसार तथा भौतिक देह आरामदेह नहीं है तो भी जीव इन्हें क्यों नहीं छोड़ना चाहता। जो ही मनुष्य को भौतिक देह प्राप्त होती है और इसे इसके पालन के लिए कठिन श्रम करना पड़ता है, वह तरह तरह के कार्यों में जुट जाता है, प्रत्येक दशा में उसे इस शरीर के पालन हेतु श्रम करना ही पड़ता है। दुर्भाग्यवश समाज को आत्मा के देहांतर के विषय में जानकारी नहीं है। चूंकि जीवात्मा सच्चिदानंद रूप के शाश्वत साम्राज्य में प्रवेश करने की आशा नहीं रखता, इसलिए वह वर्तमान शरीर से चिपका रहना चाहता है, भले ही वह व्यर्थ क्यों ना हो चुका हो। क्यों उस शरीर को नहीं छोड़ना चाहता? क्योंकि उसको पहले तो या तो भगवान के बारे में जानकारी नहीं है, भगवान धाम के बारे में जानकारी नहीं, या अगर थोड़ी बहुत है भी लेकिन उसके अंदर कोई इच्छा नहीं है कि भगवान के धाम जाना है। जब तक ये स्ट्रांग इच्छा नहीं बनेगी हम वहाँ जा नहीं पाएंगे, जिस चीज़ की इच्छा नहीं उस चीज़ को मिले ही कैसे। ठीक है, तो वो उस पुराने बूढ़े शरीर से चिपका रहेगा लेकिन भगवान के धाम जाने की नहीं इच्छा करेगा। ठीक है, भले ही वो शरीर बूढ़े शरीर कितना भी ज़्यादा बेकार क्यों ना हो चुका हो। इसलिए इस संसार में फलस्वरूप इस संसार में सबसे बड़े कल्याणकारी कृष्ण भावनामृत आंदोलन को आगे बढ़ाना होगा। ठीक है, मनुष्य को कृष्ण भक्ति सिखाना ताकि वो हमेशा के लिए आनंदमय जीवन व्यतीत कर सके, तो कृष्ण भक्ति सिखाने का काम सबसे बड़ा परोपकारी काम है। यह आंदोलन मानव समाज को ईश्वर के धाम के विषय में यह जानकारी प्रदान करता है कि ईश्वर हैं,
कृष्ण हैं और प्रत्येक जीव ईश्वर के पास लौटकर निरंतर आनंद तथा ज्ञान में रह सकता है। जो कृष्ण भक्त हैं वह शरीर को त्यागने से भयभीत नहीं रहता क्योंकि उसकी स्थिति सदैव शाश्वत है। कृष्ण भक्त सदैव भगवान की प्रेमा भक्ति में लगा रहता है और शरीर त्यागने के बाद भी भगवान की सेवा में निरंतर बना रहता है। भक्तजन तो जो कृष्ण भक्त है, जैसे जो भक्ति नहीं कर रहा उसके तो जब शरीर छोड़ा जाएगा तो अगला शरीर मिल जाएगा, जानवर का, किसका, पक्षी का तो पता नहीं, पर अगला शरीर जरूर मिलेगा। लेकिन जो कृष्ण भक्त है उनको क्या होगा, उनको अगला शरीर भगवान की धाम में मिलेगा, भगवान की भक्ति में मिलेगा। तो भगवान के धाम जाके और भगवान की भक्ति में भगवान की सेवा